बैंक डूबा तो नहीं फंसेंगे आपके पैसे, इतने दिन में मिल जाएगी राशि। मोदी सरकार बदलने वाली है नियम। अगर जिस बैंक में आपका पैसा जमा है और वो दिवालिया हो जाता है तो उसमें जमा रकम आप 90 दिन के भीतर वापस पा सकेंगे। दरअसल सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट में बदलाव करने की योजना बना रही है, जिसमें वो ऐसी व्यवस्था करने पर विचार कर सकती है। अगर इसको मंजूरी मिलती है तो बैंक डूब जाने के बावजूद 5 लाख रुपए तक की जमा रकम 90 दिन के भीतर लोग निकाल पाएंगे। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के असफल होने पर DICGC कवर के लिए आसान और समय सीमा के अंदर निकासी का वादा किया था। वित्त वर्ष 2021 के बजट में वित्त मंत्री ने DICGC के तहत कवर की राशि को 1 लाख रुपए में बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में बैंक कवर बढ़ाए जाने संबंधी ये ऐलान पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक में हुए फ्रॉड के बाद किया था। वित्तीय संकट में फंसे यस बैंक ने भी बैंक में रोजाना की निकासी पर लिमिट लगा दी थी। कमजोर वित्तीय स्थिति से जूझ रहे बैंक। देश के कई सरकारी बैंक इस समय कमजोर वित्तीय स्थिति से जूझ रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार कई बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना रही है। साथ ही निजीकरण की भी तैयारी है, जिससे आने वाले दिनों में किसी बैंक के डूबने की नौबत न आए। बैंक डूबने से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या है DICGC? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बैंक जमा रकम पर इंश्योरेंस मुहैया कराता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। DICGC सभी तरह के बैंक डिपॉजिट को कवर देता है। इसमें बचत खाता, सावधि जमा, करंट और रिकरिंग डिपॉजिट शामिल है। इसकी सीमा 5 लाख रुपए तक होती है। इसका मतलब है कि बैंक में ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की जमा ही सुरक्षित है। कभी 30,000 तक की ही गारंटी थी। मई 1993 से पहले तक डिपॉजिटर को बैंक डूबने की परिस्थिति में उनके खाते में जमा 30,000 रुपए तक की रकम पर ही वापसी की गारंटी हुआ करती थी। वर्ष 1992 में एक सिक्योरिटी स्कैम के कारण इसमें बदलाव किया गया। तब बैंक ऑफ कराट के दिवालिया हो जाने के बाद इंश्योरेंस डिपॉजिट की रकम की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक की गई थी। फिर वित्त वर्ष 2021 के बजट में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।